और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो आई होप आप लोगों की सीयूटी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और एडू कैप्टन आपकी उस तैयारी में चार चांद लगा रहा है। आई होप यार इंटेंशन तो पूरी वैसी है और रिजल्ट भी वैसा ही आ रहा होगा। तो लो भैया, जैसे अकाउंट्स के एनालिसिस वीडियो या डिफरेंट डिफरेंट पेपर की एडू कैप्टन चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस वीडियोस आई हैं, तो इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ वैभव रॉय आपके सामने। तो मेक श्योर ये नोट्स आप कॉपी कर लीजिए, नोट्स एज इन कि जो जो मैं पॉइंटर्स बोल रहा हूँ, जिस जिस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, जिस जिस चैप्टर का ज्यादा प्रोपोर्शन आया, मेक श्योर आप उसका नोट बना लें ताकि आप तैयारी अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि मेरा हर बार यही कहना होता है कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों चलना चाहिए भैया। स्मार्ट स्टडी करनी है हमने, हमने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कि सारे चैप्टर्स पूरे पूरे कर जाओ। एंट्रेंस एग्जाम्स में कभी भी ऐसा नहीं होता। देखो ट्वेल्थ के बाद जितने आपके एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल, उनमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है कि जिस पेपर के या जिस चैप्टर के ज्यादा प्रोपोर्शन है, ज्यादा चांसेस है आने की, तो मेक श्योर उसकी अच्छे से तैयारी करो रैदर देन सबको इक्वली डिवाइड करो। तो बस भैया ये आपका एक पाई चार्ट है, ठीक है जी, जिसमें पूरा प्रोपोर्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। जिन बच्चों का डाउट है कि सर इलेवेंथ का कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल साइट पे जो एक प्रॉपर सेट रिलीज किया है 50 क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का, जो लास्ट ईयर उन्होंने दिया था सीयूईटी का, तो भैया उसमें मेरे को इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं मिला, और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड जो कि यही दो चैप्टर आ रहे हैं इलेवंथ के, हो तो कोई आ नहीं रहा, तो सिर्फ 4% मिला ओवरऑल देखूं तो, मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो भैया अगर जिसके मन में ये डाउट है कि यार ये करें नहीं करें कैसे करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो क्लास 11 थी वो ऑनलाइन निकली थी, और आप लोग बेहतर जानते हैं ऑनलाइन आप कैसे और कितना ही पढ़े हैं, तो आप चाहे देखो अगेन आप चाहे तो इन चैप्टर्स को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो भैया आप चाहे तो इन चैप्टर्स को छोड़ सकते हो। बट मेरी एडवाइस रहेगी कि भैया एक बारी रीड कर लो, कई बारी क्या होता है कि कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए तो इजीली क्रैक, तो 4-5 नंबर अंदर हो रहे हैं तो भैया दिक्कत क्या है आपको, ठीक है। मूविंग ऑन, उसके बाद जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, तो यही सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक नेशनल इनकम है और एक आपका इनकम डिटर्मिनेशन, अभी इनके लेवल पे ही बात आएंगे कैसे लेवल थे। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, मतलब इट वाज अ सरप्राइज टू मी, ठीक है जी, कि मनी एंड बैंकिंग के इन मेजॉरिटी, मतलब नेशनल इनकम से ज्यादा मनी एंड बैंकिंग क्वेश्चन से, तो आप समझ सकते हो मनी एंड बैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें गवर्नमेंट बजट के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। अब ये इतनी ज्यादा प्रोपोर्शन क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने बजट के ऊपर एक 5 क्वेश्चन वाली केस स्टडी डाल दी थी, इस वजह से बजट का प्रमोशन जो प्रोपोर्शन है वो क्वेश्चन का वो बढ़ गया था। बट आई डोंट थिंक कि हर सेट में उन्होंने ऐसा किया होगा, डिफरेंट सेट में डिफरेंट आता, तो अगेन ये उनके एक सेट का एनालिसिस है, कोई ऐसा उन्होंने वो नहीं निकाली है मार्किंग स्कीम की इस चैप्टर से इतना प्रोपोर्शन आएगा ये वो, तो आप तैयारी अकॉर्डिंगली करो। बस ये एक आइडिया लगाने के लिए वो एक तरीके से आपको एक हिंट दे रहे हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे हम दे रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू ये नहीं कि ये छोड़ के जाने हैं पढ़ के जाने, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक ठाक था, कम था। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के अच्छे खासे क्वेश्चन मुझे मिले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तो बिल्कुल नहीं मिले, पॉवर्टी लिमिटेड मिले ही नहीं इनफैक्ट। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ठीक ठाक मिले मुझे, रूरल डेवलपमेंट ठीक ठाक, एम्प्लॉयमेंट अच्छे खासे मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज्यादा प्रोपोर्शन क्यों था, अगेन उसने 5 नंबर क्वेश्चंस की आपको केस स्टडी पूरी दे दी थी, 4 या 5 आई गेस, ठीक है जी। तो ये पूरा आपका सिचुएशन था, तो आपने देख लिया कि इंडियन इकोनॉमिक में हमारा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, एक तो डेवलपमेंट हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया का भी मुझे अच्छा खासा मिला था, 6%, उसकी भी अच्छी प्रोपोर्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार आप कैसी स्टडी करें, कौन से चैप्टर पहले करें, कौन से ज्यादा अच्छे से करें, कौन से ऊपर ऊपर से करें, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये एक्सेल मैंने तैयार किया था, जिसमें मेरे को इसके 0 क्वेश्चन मिले, कंज्यूमर बिहेवियर के 2 ही मिले, लेकिन दैट वॉज क्वाइट एन ईजी, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। नेशनल इनकम के 6 क्वेश्चन और पूरे ईजी थे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट ईजी, बहुत ईजी। मनी एंड बैंकिंग के एवरेज थे, इजी नहीं बोलूंगा, मीडियम में लाए करेंगे, ठीक है जी। और मीडियम में भी ऐसा मीडियम नहीं कि थोड़ा हाई लेवल ऑफ मीडियम, थोड़ा लो लेवल ऑफ मीडियम ही था। सेम गोज फॉर गवर्नमेंट बजट, ठीक है जी, 8 क्वेश्चन, लेकिन एवरेज थे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से समझने में एक दो बार रीड करना पड़ता उनको, और कुछ क्वेश्चन थे कि एक ही बार रीड करने में आप क्रैक कर लेते। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 क्वेश्चन एवरेज, बहुत इजी। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के 4 क्वेश्चन मिले, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉवर्टी का मुझे एक नहीं मिला, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉवर्टी का कुछ क्वेश्चन जैसे उसने पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे दे दिया, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाता है, तो उधर काउंट हो जाता है, और कई बार कोई पॉवर्टी में काउंट कर लेगा, तो एक ही बात है वो,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इजी, रूरल डेवलपमेंट इजी, एम्प्लॉयमेंट के थोड़े से एवरेज थे, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 6 क्वेश्चंस और एवरेज थे, ठीक है। और जो केस स्टडीज में अभी मैं कमेंट करता हूँ उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इजी थे। अब बात रही आपकी केस स्टडी पे, चलो हम एग्जांपल के साथ ही करेंगे, क्या बात करें, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले ही आपका नेशनल वो है, सॉरी, डिमांड वाला, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाला। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमें मिला है कि भैया इफ द टी एंड कॉफी कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप ऑब्वियसली पता लगा सकते हो कि जो सब्स्टिट्यूट गुड और एक उससे रिलेटेड गुड जो होता है उसका जो प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होती है वो एकदम डायरेक्ट रिलेशन होती है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे गिवन गुड की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका नेशनल इनकम का, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए थे नेशनल इनकम से, ये एक और एग्जांपल है आपका नेशनल इनकम। लेकिन ये छोटी छोटी चीज ध्यान देना, देखो उसने इनकरेक्ट को भी बोल्ड करके दिया, मतलब कितनी मदद कर रहा है आपकी, बट इस बार मुझे नहीं लगता ये सब चीजें होने वाली है। मेरे को लग रहा है इस बार जो पेपर होगा वो थोड़ा सा पिछले वाले से अप होगा या थोड़ा ज्यादा अप हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो फर्स्ट टाइम था तो स्टूडेंट को ज्यादा आइडिया नहीं था, इस बार दे वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिफोर, तो इसीलिए थोड़ा सा लेवल अप देंगे। उसके बाद ये आपका इनकम डिटर्मिनेशन बहुत ही इजी था, इनकम डिटर्मिनेशन हद से ज्यादा इजी, जैसा कि मैंने बात करी। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा एवेंजर बैच ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है जी, और आप एडुकैप्टन के यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कई बच्चों के मन में होता है, नहीं सर हमें फील तो वही चाहिए कि कोर्स वाली फील आए, कि भैया प्रॉपर एप्लीकेशन में जाके देख रहे हैं, तो भैया एडुकैप्टन हैज योर बैक, फ्री कोर्स आपको डाउनलोड करने को मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ एडुकैप्टन के एप्लीकेशन पे। फील पूरी वही आएगी, सारी वही चीज, मतलब सारी नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फील पूरी वही आएगी। आपका इतना जरूर काम कर दिया है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि यार हमारी तैयारी में कुछ भी कमी रह गई है। तो मेक श्योर इस चीज को आप सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो और भैया बेनिफिट उठा लो, कोई नहीं दे रहा, मुफ्त में उठा लो, जल्दी करो, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं, हमारा ये मनी एंड बैंकिंग है। मनी एंड बैंकिंग के एज टू माई सरप्राइज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें इजी लेवल ही था नो डाउट, कि रिजर्व रेशियो LRR दे दिया आपको 10% इनिशियल डिपॉजिट, तो सबको पता है मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, ठीक है जी, इससे मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा। फिर वो होता है कि टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, एक फॉर्मूला होता है उससे टोटल डिपॉजिट आ जाएगी मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये थोड़े मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे, तो ये थोड़े से समझने में मुश्किल लग जाते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं जो लोन एक्सटेंड करते हैं बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइबिलिटीज जो उसको डिपॉजिट मिलती हैं, उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, RBI क्रेडिट कंट्रोलर होता है, मॉनिटरी बेस करेंसी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये आपकी केस स्टडी आ गई जो टोटली बजट के ऊपर थी, और जो मैंने केस स्टडीज रीड करी और क्वेश्चंस एनालाइज करे तो मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि यार कि मुझे इस चैप्टर की थोरो नॉलेज होनी चाहिए जस्ट टू सॉल्व द केस स्टडी, मतलब केस स्टडीज में ही मुझे ले देकर आंसर मिल रहे थे अच्छे खासे। इट वॉज मोर लाइक अ अनसीन पैसेज जो आप इंग्लिश में परफॉर्म करते हो, तो ये बहुत ही ईजी है, तो यू शुड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द केस स्टडीज, ठीक है। उसके अलावा ये आपके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाले से आगे बहुत ही ईजी हो गया, मतलब सब्सिडीज तो गोल था ही नहीं 5-year प्लान्स का, मतलब कितना इजी चीज थी ये चीज। उसके बाद आपकी केस स्टडी आई सस्टेनेबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका जो चैप्टर है उसके ऊपर आई, तो ये भी अच्छे खासे सेम, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर की, मतलब ये चैप्टर में ना भी पढ़ के जाता तब भी मैं ये परफॉर्म कर लेता, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, तो भैया जरूर इस एनालिसिस वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा ताकि हम ऐसी ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकें, क्योंकि ये देखो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है एडुकैप्टन के चैनल पे, भले ही वो आपके करंट अफेयर्स हो, ग्रामर हो, हायर मैथ्स हो, इंग्लिश वोकैबुलरी हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, मिक्स क्वेश्चन हो, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। और फ्री जो कोर्स है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा जितनी भी न्यूज और आपको नोटिफिकेशन चाहिए, अब भैया आप 24/7 YouTube पे तो रह नहीं सकते हो कि भैया न्यूज, या फिर वेबसाइट तो ओपन करके रख नहीं सकते हो, तो हम है ना, आप पढ़ो ना, हम ध्यान रख रहे हैं ना उस चीज का, यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो जल्दी से एडुकैप्टन का ऐप डाउनलोड करो या फिर उसका टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन करो, ठीक है। जितनी भी रिसेंट लेटेस्ट न्यूज आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा भैया, सबका सब आपको दिया जाएगा विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट एनी डिले। तो भैया जरूर इस वीडियो पे प्यार बरसाइएगा, ठीक है जी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।